हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। ऊपर तो सारे भाई बढ़िया हो गए, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ अपनी TVS रेडियन की सर्विस, जो कि होने वाली है काफ़ी डीप और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। मैं ये घर पे शूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं बाइक देके आया था, उसका मुझे कुछ काम आ गया, मैं चला गया। जब मैं रिटर्न आया तो पूरी गाड़ी खुली हुई थी, तो वो आप देख लेना। बाकी कल की वीडियो आपने देखी थी जिसमें मैंने कार्पियम के बारे में बताया था, OBD स्कैनर के बारे में। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हो तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा डिटेल्स, और साथ में पिन कमेंट में मिल जाएगा आपको। और जो कल आपने वीडियो देखी थी, अगर नहीं देखी तो जाकर देखना, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। उससे आपको पता चल जाएगा कि इंजन चेकलाइट आखिर क्यों जलती है, क्या दिक्कतें होती हैं, कैसे ठीक करोगे, और आपकी बाइक कितने सेकंड में कितनी स्पीड पकड़ती है, वो सब जान सकते हो OBD स्कैनर की वजह से। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है कार्पियम OBD स्कैनर, तो वो आप परचेज कर सकते हो, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आगे मिलते हैं बाइक के साथ, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, अपनी जो रेडियो ने मैं लिया हूँ सौजी दुकान पर, और यहाँ पर जो है ना अपनी बाइक खड़ी हो चुकी है पूरी की पूरी, रगड़ा डिसमेंटल कर रखी है। मैं थोड़े काम से बाहर के बाद जब तक मैं आया तो उन्होंने पूरा जो है पोस्टमार्टम कर दिया। देख सकते हैं ये बड़ा अपना क्लच कवर, तो क्लच कवर की हालत देखो कुछ ऐसी है, पैकिंग नहीं फटी। देखो सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि पैकिंग की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, पैकिंग फटी नहीं, वरना ना चिथड़े यहाँ से उड़ जाते, यहाँ से उड़ जाते, कुछ वहाँ पे लगे होते, तो वैसा कुछ नहीं है, पैकिंग बहुत अच्छी थी। तो लेकिन अभी पैकिंग बदलेगी हमारी, क्योंकि जब भी कभी आप कवर खुलवाते हो ना, साइड कवर जो होता है, चैम्बर कवर हो गया या उधर का मैगनेट कवर हो गया, तो जब भी कवर खुलता है तो पैकिंग हमेशा डलवाओ, चाहे हेड की पैकिंग हो चाहे वो साइड कवर की पैकिंग हो। पैकिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पैकिंग जब ख़राब हो जाती है ना, तो क्या होता है लीकेज होने लगती है, जब लीकेज होती है तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है, बहुत ही बुरा इंपैक्ट डालता है आपके इंजन पे। तो जैसे कि अपना छोटा भाई जो है वहाँ पे देखो क्लीनिंग वगैरह कर रहा है, क्योंकि इसमें जो है ना काम मैंने आपको बताया था, मैंने जब मोटो ब्लॉक किया था इसमें काफ़ी ज़्यादा काम, मतलब कि मेरे को देखने को मिला था उस दिन जब मैंने बाइक चलाई थी। पिकअप बहुत ज़्यादा कम था इसके अंदर, और क्या नाम है, एक चेन सेट की बात करूँ उसका थोड़ा रिस्पॉन्स सही नहीं था, ब्रेक शूगर रिस्पॉन्स सही नहीं था। तो भाई अभी क्या है, अभी क्लच असेंबली देखो यहाँ पूरी लगी हुई है हमारा कटोरा, तो ये पूरा बाहर निकलेगा, बाहर निकले क्लच प्लेटें चेंज होंगी। इस वाली की हालत कैसी है वो आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल ये सामान यहाँ पे खुला पड़ा है सारा का सारा, ठीक है जी। एग्जॉस्ट हमने निकाल दिया है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी अगर बात करें पीछे की, तो देखो मैं उस दिन आपको बता रहा था ना कि इसकी ब्रेकिंग क्यों इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसका जो ड्रम है, ड्रम की प्लेट देखो कितनी छोटी सी है। अगर बात करें स्प्लेंडर की, देखो मेरे पास स्प्लेंडर भी यहाँ पे खड़ी हुई है, तो स्प्लेंडर और इसके ड्रम में देखो फ़र्क दिखाता हूँ। ये देखो दिखाई दे रहा है आपको फ़र्क, तो ये बड़ा है स्प्लेंडर वाला, और ये जो रेडियन का है छोटा है, लेकिन अब जो रेडियन आ रही है उसमें भी ड्रम बड़ा आ गया है। तो ये फ़र्क होता है आपका, जब ड्रम प्लेट बड़ी होगी और ड्रम बड़ा होगा तो आपकी ब्रेकिंग भी अच्छी हो जाती है। बाकी अगर बात करें ब्रेक शू की हालत की, तो दोस्तों यहाँ पर ब्रेक शू देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेक शू ये रहे, और बाकी चेन सेट की बात करूँ तो भाई देखो व्हील पीछे का ये पड़ा हुआ, ठीक है जी। और अगर चेन सेट की बात करी जाए तो चेन सेट देखो कुछ ऐसा निकला है, इसकी जो दांत है देखो तीत जो है पतले हो चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप, तो इसके अंदर वो बात रही नहीं जो होनी चाहिए थी। तो इसके दांत छोटे भी हो गए, पतले भी हो गए, जिसकी वजह से चेन सेट में मज़ा नहीं रहा, मतलब चेन ढीली होती रहेगी बार बार, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये थोड़े से और घिस जाएंगे तो टर्र टर्र आवाज़ भी करेंगे, जो कि सही नहीं है। बाकी फ़िलहाल पेट्रोल की मदद से यहाँ का जो फ्रंट वाला जो हमारा छोटा वाला जो गरारी होती है, यानी कि छोटा वाला स्प्रॉकेट होता है, उसकी जगह देखो कितने बड़े तरीके से साफ़ कर दिए भाई ने अपने, ठीक है ना, एकदम ओके हो गया मामला। तो फिलहाल अभी जो है सर्विस सेंटर चलेंगे TVS के, और वहाँ से ही लेंगे सामान इसका, और देन इसके अंदर लगाएंगे, और फिर उसके बाद मैं इसकी वीडियो अलग बनाऊंगा, इसमें मोटो ब्लॉग करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि भाई कैसी परफॉर्मेंस आ रही कैसे नहीं, ठीक है। फिलहाल अभी डिसमेंटल हो रखी है, सामान लेने चलते हैं, सामान लेकर आगे दिखाते हैं आपको सामान क्या क्या लेके आए हैं, कितने का पड़ा है वो सब, और देन उसके बाद वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। स्टे ट्यून्ड गाइस। अच्छा प्ले नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, इस बाइक के अंदर चार क्लच प्लेटें आती है, मैं गिनवा देता हूँ। देखो ये देखो, एक दो तीन चार, तो यानी कि इस बाइक में चार क्लच प्लेटें आती है, देखो हैं चार क्लच प्लेटें। बट मैं और उस्ताद जी मिलके हम दोनों ना भाई खुराफाती करने वाले हैं, इस बाइक के अंदर हम डालने वाले हैं पांच क्लच प्लेटें, और इसके अंदर डालेंगे CBZ एक्सट्रीम की जो है इसमें डलने वाली क्लच प्लेट है, जो कि बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। उस्ताद जी मैं क्या, क्लच प्लेट डलने से पिकअप, इनिशियल पिकअप तो अच्छा हो जाएगा इसका, मतलब थोड़ी जल्दी जाएगी है,
सही है, ये अच्छी चीज है। तो भाई इसका मोटो व्लॉग, हाँ क्या कह रहे हो, व्हीली आ जाएगी, व्हीली व्हीली आ जाएगी। तो दोस्तों आपने उस दिन देखा था मेरा मोटो व्लॉग जिसमें मैं व्हीली मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन व्हीली लग नहीं रही थी क्योंकि भाई इसमें पिकअप डाउन हो रहा था बहुत ज्यादा, अच्छा पिकअप नहीं आ रहा यार। मैं इसमें क्या नाम है जो है क्लच प्लेट डलवाऊंगा, सारे काम कराऊंगा, उसके बाद देखेंगे। तो अभी क्या ये काम होने दो, फिर इसके बाद मैं जरा अलग से एक मोटो व्लॉग बनाऊँ क्योंकि मैं जो हूँ ना जो उसके अंदर हमारी ये जो चार क्लच प्लेटें हैं हम इसकी जगह पाँच करने वाले हैं, मतलब एक और बढ़ाने वाले हैं। तो बढ़ने से फायदा भी होगा और सबसे मेन है कि बाइक रहने वाली है 110 cc 125 cc मान लो कितनी मुझे पता भी नहीं है। अरे उस्ताद जी ये 110 cc 125 110 है ना, तो 110 cc है, इसके अंदर हम 150 cc वाली क्लच प्लेट लगा देंगे तो सोचो अलग ही पागल हो जाएगी गाड़ी है। तो देखते हैं भाई ये क्या होता है क्या नहीं, फिलहाल तो वो मोटो व्लॉग में मजा आएगा, अभी आप बन रहे हो। बाकी ये पांच क्लच प्लेट के बारे में सुन के कैसा मतलब एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा या नहीं बढ़ा ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो दोस्तों हम TVS रेडियन में जो है ना यूज़ करने वाले हैं प्रेशर प्लेट सुपर स्प्लेंडर की, ये देख सकते हैं आप ऐसी रहने वाली कुछ प्रेशर प्लेट है, ठीक है जी। और बाकी जो है ये CBZ एक्सट्रीम की 150 cc की जो बाइक आती है उसकी क्लच प्लेट रहने वाली है, ये टोटल रहेंगी पाँच, देख सकते हैं दोस्तों ये पाँच मेरे हाथ में आ चुकी हैं। अब पाँचों की पाँचों इसके अंदर फिट कर देंगे। तो सर जी ये जो है ये हमारी उसका चल जाएगा रेडियन का है, सही है। तो दोस्तों कभी भी रेडियन में अगर आपको पिकअप बढ़वाना है मतलब इनिशियल पिकअप बढ़ाना है टॉप एंड से कोई लेना देना नहीं है, इनिशियल से लेना देना है, मतलब जो तुम्हारी 10 सेकंड में 60 या 80 पहुंचती थी वो तुम्हारी आधे सेकंड मतलब 5 सेकंड में पहुंच जाएगी, 6 सेकंड में कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको, इनिशियल पिकअप अच्छा हो जाएगा। तो सुपर स्प्लेंडर की प्रेशर प्लेट यूज़ कर सकते हो आप और CBZ एक्सट्रीम की जो है क्लच प्लेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ चेंजमेंट कुछ नहीं करना, खाली ये चीज़ ऐड ऑन करी है हमने। तो अभी जो उसके अंदर जो हमारा जो क्लच का जो ये कटोरा है बेसिकली, तो ये वैसे तो देखो नया डलवा लेते हैं तो भी ठीक है, बट उस्ताद जी बोल रहे हैं कि नया डलवाने का फ़ायदा नहीं है, अपने बंदे हो तो मैं सलाह दे दूंगा रिपेयर करा लो इसको। बेसिकली इसमें क्या होगा, जो ये होल दिख रहा है आपको इसके अंदर कोई सिल्वर का वो डलेगा, छल्ला स्टील का छल्ला डलेगा, क्या बोलते हैं बुश, तो भाई स्टील का जो है बुश इसके अंदर लग के और जो खैरात वाले जो होते हैं अपने उनके पास जाएगा और वहाँ जाकर ये सेट हो जाएगा, मतलब जिसके अंदर प्ले आ रही है ना उसको जो हिल रहा है मामला, जो जैसे कि मान लो ये इसके अंदर ये वाला है, कौन सा वाला दूसरा था भाई पता नहीं कहाँ गया वो, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ जो इसके अंदर मान लो ये चीज़ गई तो ये देख रहे ये, अरे यार तो ये देखो ये देखो ये हिल रहा है, देखो ये देखो ये देखो प्ले है इसके अंदर, तो जो प्ले है ना दोस्तों तो बेसिकली ये टाइट जाएगा फिर इसके अंदर जब हम स्टील का बुश लगा देंगे तो ये रिपेयर हो जाएगा, मतलब कि जो काम ये 1500-1700 रुपये बता रहे हैं और 300 रुपये में रिपेयर हो जाएगा, तो इसलिए मैं भाई 300 रुपये वाला काम कराऊँगा रिपेयर कराऊंगा, और रिपेयर कराने के बाद भी मक्खन चलता है क्योंकि भाई इन लोगों ने कर रखा है इस गाड़ी का काम, इस वजह से इन्होंने मुझे सजेशन ये दिया है। और सीधी सी बात है भाई जिसका काम उसी को साजे, तो भाई हमारे से ज़्यादा नॉलेज ये रखते हैं, तो भाई सीधी सी बात है इन्हीं की नॉलेज को हम फॉलोअप करते हैं और आप तक ये एक तरह से नॉलेज पहुँचा रहा हूँ अपनी वीडियो के थ्रू। तो यहाँ तक वीडियो देख लिए लाइक ज़रूर करना क्योंकि देखो सीधी सी बात है मेरा काम ये है कि आपको अपनी वीडियोज़ में जो है अच्छी चीज़ें देना, नॉलेज देना, ताकि आप समझो अवेयर हो चीज़ों से। अगर मैं आपको ये चीज़ नहीं बताता, इवन ये मुझे नहीं बताते कि भाई कटोरे में रिपेयरिंग भी हो जाती है, बुश बुश भी ठूक जाता है, तो शायद मैं भी फिर ये जो कटोरा है पूरा का पूरा ये नया डलवाता और मेरे ही 1500-1700 रुपये जाते एक्स्ट्रा, बट मुझे उस्ताद जी ने बताया तो वो मैं आपको बता रहा हूँ अपने वीडियो के थ्रू। तो भाई प्लीज़ इस चीज़ को अप्रिशिएट करें और लाइक करें वीडियो को, और बाकी इससे जुड़ी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अब वो देखो वहाँ लेग पीस चल रहा है, लेग पीस उस्ताद जी क्या खा रहे हो, कौवा बिरयानी तो नहीं है। तो दोस्तों सारा सामान हमने कलेक्ट कर लिया, देखो भाई सर्विस सेंटर से लेके हैं जेन्युइन उसका TVS का, ठीक है। ये हो गया हमारा कोन सेट, ठीक है। इसकी जो MRP हमारे को पड़ी है ये लिखी हुई MRP 440 रुपये दोस्तों, देख सकते हैं आप ये हमारा कोन सेट है, ठीक है जी। ये हमारी क्लच प्लेट का डब्बा आ गया हीरो एक्सट्रीम का आ गया, CBZ एक्सट्रीम का जो कि सेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एयर फिल्टर की, ये भी ओरिजिनल रहने वाला है TVS का जेन्युइन, ठीक है। इसकी MRP अगर बात करूँ 314 रुपये की रहने वाली है, ठीक है, इसलिए बता देते हैं यहाँ पर। इसके बाद बात करें चेन सेट की दोस्तों, तो चेन सेट यहाँ पे आ चुका है 917 रुपये MRP है, तो ये लगा लो अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ मिल जाती है क्योंकि उस्ताद जी की थोड़ी सी बातचीत है कैडी वाली यहाँ पे सर्विस सेंटर में, तो 10-15% का डिस्काउंट मिल जाता है MRP पे, तो ये लगा लो उसके हिसाब से आपको काफ़ी सही प्राइस पे जो है सामान मिल गया है, ठीक है जी। तो अभी जो है बस खाली क्या रह गया है कि जो कटोरा है इसके अंदर जो हमारे बुश फिट करवाना है स्टील का, तो वो उस्ताद जी लेके जा रहे हैं खैरात वाली मशीन जहाँ पे होती हैं उनके पास जाके उसको बुश फिट करवा के लेके आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी पुराना वाला ये है भाई क्या बोलते हैं हमारा TVS का, देखो यहाँ पे TVS का मार्क भी लिखा हुआ, ये लिखा हुआ TVS नाम आ रहा है, और ये इसमें गंदगी नहीं निकली लेकिन फिर भी बदलना ज़रूरी है, ठीक है।
ऊपर जो है चेन सेट फिट कर दिया भाई ने, ठीक है जी। ये आगे हमारा फ्रंट रोलर स्प्रॉकेट, चेन एकदम बड़े तरीके से फिट कर दी यहाँ पे साफ सफाई के साथ। अब जो है हमारा भाई पूरा हेड खोलेगा और जो कोन सेट है, जो ये देख सकते हैं मेरे हाथ में पन्नी है, तो ये कोन सेट जो है यहाँ पे खोल खाल के नया डालेंगे इसके अंदर। बड़े डाल दियो बढ़िया करके, ठीक है। यहाँ पर जो है ना हमारी बाइक का कौन सेट चेंज हो रहा है, जिसके चलते भाई ने जो है ना पूरा सेटअप खोल दिया, देख सकते हैं आप। ये हमारा कौन सेट की हालत देखो कैसी हो गई है, देख सकते हैं आप। कौन सेट कुछ ऐसा निकला है अंदर से, मतलब गोलियां देख लो कट चुकी हैं सी गोलियां, और अंदर जंग वंग भी आ गया इसके अंदर, जिसके वजह से जो है दिक्कतें आ रही थी। तो मैंने ये फिलहाल चेंज करा दिया, देख सकते हैं मेरे हाथ में ये, ठीक है। कुछ रहने वाला है ये निकलेगा, इसके नीचे वाला निकलेगा, उसके बाद जो है नया वो डलेगा इसके अंदर, ठीक है। और नई ग्रीस यहाँ पे लगेगी, उसके बाद वो मामला ओके। फिलहाल ये हमारा जो है सामान निकल रहा है, नई नई गोलियाँ दिखाइयो। तो ये गोली देखो, देख सकते हैं आप कितनी एकदम बढ़िया रहने वाली है, तो मोती की तरह चमक रही है गोलियाँ। दो पैकेट मिलते हैं गोली के, और ये अपर लोअर वाला हिसाब किताब है जो मैंने आपको भी दिखाया था ना, ठीक है, वो है रहने वाला, देख सकते हैं। तो ये तो भाई यहाँ पर जो है ना पूरा का पूरा लगा लो, अंदर का इंजन जो है भाई सब चमका दिया उस्ताद जी, देखो पूरा एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया यहाँ पे, बढ़िया तरीके से साफ अप हो गया। और बाकी बात करें इसकी, तो देखो अंदर का क्लच कवर ये तो साफ हो गया, ये कटोरा पटोरा सब साफ हो गया, ये सब साफ हो गया, देख सकते हैं अपने नया डलवाया है। तो बेसिकली चमका दिया बड़े तरीके से, अभी और सफाई चल रही है, इसके बाद इसको फिट करेंगे, फिर इंजन ऑयल डालेंगे और गाड़ी स्टार्ट, यही काम है ना, और तो कोई काम नहीं है बस, ठीक है। हाँ आप सही है, अपनी हिल रहा जो बात है। तो भाई ये चीज़ मेरी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे नया लेना पड़ा। ये मतलब रिपेयर तो कराया, लेकिन रिपेयर होने के बाद मज़ा नहीं आया, कटोरा ठीक हो गया बट ये चीज़ जो है काम नहीं कर रही थी। ये नया लिया भाई, 121 रुपये MRP उस्ताद जी के नाम से, 110 रुपये की मिली। तो दोस्तों आज के टाइम में बाइक सर्विस कराना ना मजाक बात नहीं है भाई, गर्मी में हालत बुरी हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। और अगर आप सर्विस सेंटर में जाओगे बाइक दे दो वहाँ पे, तो तुम्हारे पास चार्ज बहुत तड़े तड़े लग जाएंगे, ये चार्ज वो चार्ज, इस वजह से वहाँ पर सहूलियत ही होती है, बाइक छोड़ो और काम हो जाता है। और यहाँ पे ये खुद जाओ लेके आओ माल, थोड़े से पैसे बच भी जाते हैं और नॉलेज भी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर सीन ये है कि हमने चीज़ रिपेयर कराई, लेकिन वो रिपेयर कराने के बाद भी ना वाली बात बनी नहीं जो हमें, मतलब जो हम चाह रहे थे, क्योंकि हमने स्टॉक तो काम ख़त्म कर दिया, हमने क्या करा इसमें 5 प्लेटें लगाई हैं। अब 5 प्लेट के चक्कर में जो है ना कहानी हो गई ये वाली कि हमें नया ही कटोरा डालना पड़ा, तो फिलहाल नया कटोरा वो डाल दिया हमने। ये जो मैं अपाची का डला, अपाची का है, क्या बात कर रहे हो भाई। तो भाई अपाची का इसके अंदर डाला क्लच कटोरा, एक्सट्रीम की है क्या नाम है तुम्हारी क्लच प्लेट है, और प्रेशर प्लेट है सुपर स्प्लेंडर की, वही तो ये लगा लो भाई के तिगलमबाजी करके वो काम हुआ है, मतलब जुगाड़ वाला काम है, लेकिन ये चलेगा ना सही रास्ते, टूट तो नहीं जाएगा ना, नहीं टूटेगा, सारा ओरिजिनल है, लोकल कुछ भी नहीं है। कुल मिला के ये है कि देखो अपाची का क्लच कटोरा, हीरो एक्सट्रीम की क्लच प्लेट है, और सुपर स्प्लेंडर की प्रेशर प्लेट है, ठीक है। तो भाई ये जो करवाया था जुगाड़, देखो पीतल की वेल्डिंग करा के इसे घिसवाया, लेकिन इसकी जो है ना एक तरह से अलाइनमेंट आउट हो गई है, क्या हुआ मतलब इसकी डायमेंशन ख़राब हो गई, जिसके वजह से ये हो गया फेल, ये फेल हुआ। फिर मैं ये नया लेके आया आपको मैंने दिखाया, बट क्या है कि वो कटोरे में सेट नहीं बैठ रहा, उसमें फिर चाल आ रही थी। तो भाई वो चीज़ है कि भाई कहानी ख़राब ना हो, इस वजह से कटोरा भी हमने बदला, और कटोरा भाई हमारा पुराना वाला ये रहा, ठीक है। इसके अंदर भी देखो, बस क्या बताऊँ मैं यार, ये हमारा वैसे भी कटा हुआ था, देखो यहाँ यहाँ से ना देखो लाइनें गिरी हैं आपको, उसकी दिक्कत नहीं होती। फिर मेन होता है ये बुश, मेन ये बुश ही होता है बस, अगर ये हिल रहा है तो बाकी तो ये दाते टेढ़े कट जाते हैं। अच्छा, जब ये आउट चलेगा हाँ, तो ये दाते भी तो पीछे कटेंगे ना। अच्छा, यही है अब ये देखो हाँ। ये सारे दांतों पे निशान आ रहे हैं हाँ। तिरछे तिरछे से हाँ। वो इसी वजह से आते हैं जब ये सेंटर में नहीं चलेगा, टेढ़ा हो जाएगा, सेंटर चलेगा तो हाँ। बिल्कुल सही चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई सुना आपने जाना आपने। तो अभी क्या है कि हमने क्लच कटोरा नया, प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट सबने डाल दी, एक तरह से मामला क्लच का पूरा नया हो गया, पूरी असेंबली नहीं हो गई उस्ताद जी फिर तो, और ऑलमोस्ट है ना सारी चीज़ नई हो गई दोस्तों। बस अब फटाफट से जो है ना, बस अब कितने टाइम लगेगा, और 20 मिनट और लगेंगे भाई, ठीक है। तो कुल मिला के ये कि बाइक स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है जी। अभी इसका बैक ग्लास जो है ना भाई वो निकल गया था, मतलब कहीं पे, तो क्या सीन है कि भाई वो अभी कंपनी में अवेलेबल नहीं है ना, वो भी लगवा देते हम। तो अब जो है उस्ताद जी जो है ऐप वो लेने जा रहे हैं इसकी ट्राई, तो ट्राई व्राई लेके आके फिर चलते हैं अपन। इसका मोटो व्लॉग देखना है तो वीडियो लाइक कर दो, कमेंट चुकाना कि हाँ भाई हमें मोटो व्लॉग देखना है। बाकी गाड़ी हो गई है भिन्नौट,
फिलहाल तो मैं यही से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गाड़ी भिन्नौट चले, बाकी जो है उस्ताद जी बताएंगे आकर अभी। तो भाई चलने में मक्खन चल रही है, उस्ताद जी उतारे बस खाली क्रॉस चेक करने के लिए इसकी जो नट बोल्ट हैं मेन मेन, जैसे कि ये वाला हो गया वो हो गया, तो चेक कर रहे हैं ठीक है। वो चेक करने के बाद मैं लेके निकल जाऊँगा, बाकी कल या परसों में, मतलब कल की वीडियो या परसों की वीडियो में मैं इसका मोटो व्लॉग करने वाला हूँ। फिलहाल बाइक बहुत गंदी हो रही है तो भाई वॉश भी करानी है, बट अभी मेरे पास सीरियसली टाइम नहीं है, तो इस वजह से भाई अभी तो वॉश नहीं होगी, बस खाली फिलहाल मैं यहीं पर वीडियो एंड कर रहा हूँ। बाकी चलने में एक नंबर, एक बात हुआ पूछ लेता हूँ उस्ताद जी, मुझे बताओ चलने कैसी लगी आपको? चलने में आप बताओगे भाई? नहीं तुम्हें कैसी लगी? हमें तो अच्छी लगती है। सही लगी? हाँ सही है भाई, ये कह रहे हैं मुझे अच्छी लगी है, बाकी मैं बताऊंगा, जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ। अच्छा हुआ तो मैं अच्छा बताऊंगा, बुरा हुआ तो बुरा बताऊंगा, बट अभी फिलहाल जो है कौन सेट नया डला है, तो कौन सेट का ना हल्का सा ये लूज कर रहे हैं, थोड़ा हैंडल टाइट है ठीक है, तो हल्का सा लूज कर रहे हैं ठीक है।